हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपका मिक्स टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितना हुई है। तो इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक सॉल्व कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 के बीच में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो कपास सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ पे हुई थी, तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बिरजू महाराज थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और जो बिरजू महाराज है, ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है। तो किसी भी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रतौधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण से रतौधी होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी के कमी के कारण से स्कर्वी रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। छह नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो जो टीपू सुल्तान थे, ये मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है।
यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पे आपको बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो ये HCF गुणे LCM यानी मौसा गुणे लौसा के बराबर होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क यानी दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्रमस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर केजी में पूछे तो 1.4 केजी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, तो जो नरोत्तम सिंहानु थे ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और अंकुर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो 24 कैरेट यानी जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि 10, 13, 14, 9, 16 का परिसर ज्ञात करें, जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको परिसर निकालना है, तो परिसर निकालना हम आपको बताए थे, तो कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, और इसमें से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, और 16 और 9 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 हमारा परिसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि संचयी परम्बर्ता वक्र कहलाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी परम्बर्ता वक्र क्या कहलाता है, तो तोरण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यहाँ पे 30 प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पुरुष का लिंग क्रोमोसोम होता है ये XY होता है, और जो स्त्री का लिंग क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1995 में हुआ, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का क्या प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो एफिल टावर और अवेन्यू दोनों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। यहाँ पे जो ये द्विघात बहुपद दिया है इसका आपको मूलों का योग निकालना है यहाँ पे आपको, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, α+β = -B/A होता है। तो बस यहाँ पे आपको बी का मान रखना है, यहाँ पे ए का मान रखना है, तो ये बी और ए का मान आएगा कहाँ से, तो इस द्विघात बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो ए का मान होता है, तो x² में क्या गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं, यहां पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं गुणा करता है वहां पे एक होता है, तो ए का मान एक। अब यहां पे देखिए बी का मान, तो जो एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है, तो एक्स में क्या गुणा कर रहा है, -4 गुणा कर रहा है, तो बी का मान यहां पे -4, और सी का मान क्या होता है, तो जिसमें एक्स नहीं रहता है वो सी का मान होता है, तो सी का मान यहां पे कितना है, एक है। बस यहां पे आपको क्या कर देना है, बी और यहां पे ए का मान रख देना है, तो यहां पे देखिए माइनस है तो माइनस, और बी का भी मान माइनस में है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी का मान देखिए -4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -4, और ए का मान कितना है, एक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक। अब यहाँ पर देखिए α+β = -, क्या हो जाएगा ये +4/1 हो जाएगा, और 4/1 का अर्थ क्या होता है, 4 होता है, और अल्फा बीटा क्या है, तो ये मूलों का योग है, और मूलों का योग कितना निकल गया, 4 निकल गया, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मादा युग्मक क्या है, तो मादा युग्मक अंडाणु होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, इसे आपको याद रखना है। और शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो वृषण में बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस यानी युद्ध एवं शांति के लेखक कौन हैं, तो लियो टॉल्स्टॉय हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो अगर वो टेबल आपको पता होगा थीटा वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो अभी तक वो टेबल आप लोग याद नहीं किए हैं, तो उसे आप लोग याद कर लीजिए। और टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं, तो जो मछलियाँ होती हैं ये गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मनुष्य होते हैं ये फेफड़े से श्वसन करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा
कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पाई एक संख्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। तो जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो P4 होता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हम फास्फोरस को कहाँ पे डुबा के रखते हैं, तो जल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नाखून किसका प्रतीक है, तो ये पशुता का प्रतीक है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होगा तो वो कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है तो वो अम्लीय होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है तो वो क्षारीय होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ आप लोग 30 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा। और 1 जुलाई से आपको पीडीएफ चैप्टर वाइज बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। एक दिन में आपको एक चैप्टर का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और उससे आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे 200 में और 150 में नोट्स बेच रहे हैं, तो उनसे ये बेहतर है कि आप लोग क्या कीजिएगा कि हम यहाँ पे एक एक चैप्टर का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी हम यहाँ पे पीडीएफ दे देंगे अपनी वेबसाइट से, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको नोट्स बना लेना है। तो ऐसे आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर 1 साल आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ सकता है, जितना आप लोग उम्मीद नहीं किए हैं उससे ज़्यादा अच्छा नंबर आपका आ सकता है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और तैयारी आप लोग करते रहिए। आइए अब हम बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका क्रोम यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS, हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट, तो हम टेस्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है, तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टेस्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे में आना है और यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रश्न है, और इसमें एक प्रश्न का 4 ऑप्शन है और जिसमें से एक सही है। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन होगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड, यहाँ पे देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है, तो उत्तरी बिहार रहता है। तो यहाँ आप देखिए सही है तो ग्रीन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम गलत करेंगे कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन हम पटना हवाई अड्डा मारेंगे, टिक करेंगे, तो देखिए गलत हो गया। और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और जो 1 जुलाई से पीडीएफ देंगे वो कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो इस पर आपको बस क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे चैप्टर के अनुसार पीडीएफ रहेगा सभी, और उस दिन का डेट रहेगा। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे बस आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।